प्लीज डू नॉट स्क्रू, इट्स नॉट अ बैग, इट्स अ झोला फॉर मी। ऐसे ही मैंने बैग के हैंडल पर लटकी हुई रहती। हाय मंचकिंस, इट्स मी श्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं वीडियो फिर से वही से शुरू कर रही हूँ जहां पर मैंने पिछला वाला वीडियो खत्म किया था, दैट इज नो मेकअप मेकअप लुक फॉर एवरीडे वेयर। सो बेसिकली एज यू कैन सी माय लुक, इफ यू वांट टू नो मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियो। एंड फॉर दैट प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन, मे बी समवेयर हियर या फिर यहाँ पे क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज नो मेकअप मेकअप लुक फॉर एवरीडे वेयर। सो आई होप सो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा है। वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, दैट इज व्हाट्स इन माय बैग वीडियो। सो बेसिकली मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो, जो इतना बार मुझे बोला जा रहा है कि दी ये वीडियो आप बनाओ, दी ये वीडियो आप लाओ, क्यों ना ये वीडियो ही बनाया जाए। सो बेसिकली टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ व्हाट्स इन माय बैग वीडियो। जो भी है मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं ले लेती हूँ अपने बैग को, ये बैग कम झोला ज्यादा है। सो इट्स बेसिकली अ टोट बैग जो मैं नेपाल से लाई थी अपने लिए। तो ये बैग खोलने से पहले आपको एक चीज शायद दिख रही होगी, ये है मेरा क्लचर जो ऐसे ही मेरे बैग के हैंडल पर लटकी हुई रहती है हमेशा, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट। जब भी मुझे लगता है कि यार मुझे बाल बांधना है, मुझे अपना हेयर टाई अप करना है, मैं ये क्लिप खोल के लगा लेती हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, मेट्रो में हूँ, ऑटो में हूँ, जहां पर भी हूँ। जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्टाइल मरने की जरूरत है तो मैं अपने बाल खोल लेती हूँ। सो दैट्स इट, जो भी हो अब बैग खोल के देखते हैं। बहुत ही ज्यादा हेवी है क्योंकि मेरा ये बैग नहीं है, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ ये मेरा झोला है। यू विल फाइंड छोटे से छोटा चीज मेरे बैग पे। ओके, सो फर्स्टली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक रबर बैंड, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा हो, क्योंकि मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो क्या होता है, ज्यादा देर क्लचर लगाने की वजह से मेरा सर दुखने लगता है। आई यूज टू हैव हेडेक। सो अगर ऐसा कभी भी हो कि मैं बाहर हूं और मेरा सर दुख रहा है, बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, क्लचर खोल के ये रबर बैंड से अपना हेयर टाई अप कर लेती हूँ। नेक्स्ट टू इट, बाल बांधने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, ये है एक फ्लैट ब्रश फ्रॉम द ब्रांड वेगा। ये मैंने अमेजोन से लिया था, एक वुडन ब्रश है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 1.5 साल हो गया ऑलरेडी इस ब्रश को लिए हुए मुझे अमेजोन से, एंड इट्स वेरी स्टर्डी, यानी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा। सो नेक्स्ट टू इट आई एम हैविंग एन अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला मेरे बैग में हमेशा रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, क्योंकि अगर मैंने कभी भी ये छतरी को अपने बैग से बाहर निकाल लिया, उसी दिन मेरा इतना अच्छा लक है कि उसी दिन बारिश होना है। तो ये गया। फिर है ये नोटबुक, क्योंकि मुझे जब भी कोचिंग वोचिंग में जाना होता है, सो बेसिकली आई कीप दिस नोटबुक इन माई बैग ऑलवेज, ताकि अगर कभी भी मैं कोई कॉपी या फिर कुछ लेना भूल जाओ, नॉट बी लाइक कि यार मेरे पास लिखने के लिए कुछ पेज या फिर कॉपी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा से ये नोटबुक अपने पास ही अपने बैग पर ही रखती हूँ। नेक्स्ट टू इट आई हैव अ हेडफोन। मेरे पास वैसे दो हेडफोन रहता है, एक है ये है आईफोन का हेडफोन, कभी भी मेरा एंड्रॉयड में अगर चार्ज खत्म हो जाए तो मैं इस हेडफोन के जरिए आईफोन से गाना वगैरह सुनती हूँ या फिर वीडियोस देखती हूँ, ऐसा कुछ भी हो। और इतने चीजों के बीच में से मैंने इसके बारे में बाद में आऊंगी। ये वाला है मेरा एंड्रॉयड का हेडफोन और ये वाला है मेरा आईफोन का हेडफोन, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है मेरे बैग में, और कुछ रहे ना रहे ये तो रहेगा ही, इसीलिए आई ऑलवेज कीप दिस हेडफोन। जो बाहर निकल रहा था हेडफोन के साथ वो था एक पेन, क्योंकि अगर आपके बैग पर नोटबुक रहेगा तो लिखने के लिए तो पेन चाहिए ना, उंगली से तो नहीं लिख सकते, इसीलिए यू नीड अ पेन, सो अ नॉर्मल सा पेन। देन मेरा वॉलेट, इट्स फ्रॉम बैगेट, ये 3-4 साल से पुराना है, मुझे देव ने गिफ्ट किया था शायद 2019 या फिर ऐसा कुछ था, हाँ 2019 में मुझे देव ने ये गिफ्ट किया था क्रिसमस गिफ्ट के तौरन। सो ये है मेरा जर्नल जो मैंने सिम्बा लाइफस्टाइल से लिया था, पानी का बॉटल कहाँ से आया, सो मैंने सिम्बा लाइफस्टाइल से जो लिया था ये, लाइक आई कीप इट इन माई बैग, ताकि जब मैं कभी भी बोर हो जाऊँ तब मैं जर्नलिंग कर लूँ
या फिर कुछ लिख लूँ, या पर स्टिकर्स वगैरह है, टू डू, इम्पोर्टेंट, रिमेम्बर, रिलैक्स, ऐसा ऐसा कुछ करके मुझे जो करना है जो नहीं करना है वो मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ. और द बेस्ट पार्ट अबाउट इज दैट वाई आई कैरी इट ऑन एवरी डे बेसिस ऑन माई बैग इज दैट इसमें डूडलिंग का ऑप्शन है. एंड जब भी कहीं पे भी मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे लाइक करने के लिए कुछ है नहीं, या फिर मेरे क्लासेस शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम है, देन मैं क्या करती हूँ, डूडलिंग कर लेती हूँ. देन मेरे बैग में है ये बॉडी मिस्ट. बहुत सारे बॉडी मिस्ट मिलेंगे आपको मेरे बैग में, क्योंकि आई एम अ सकर ऑफ बॉडी मिस्ट एंड परफ्यूम. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड आई लाइक टू स्मेल गुड ऑल द टाइम. ये है फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट. नेक्स्ट टू इट मेरे पास एक और बॉडी मिस्ट है जो पूरा ही खत्म हो चुका है. एज यू कैन सी इट्स फ्रॉम द ब्रांड मोमोसो. ये मोमोसो से है एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक द फ्लावर लिली ओनली एंड इट स्मेल्स रियली गुड. ये बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है. उसका फ्रेग्रेंस जैसा मैंने कहा कि एक वैनिला और फ्रूटी फ्लेवर का मिक्सचर है एंड ये फ्रेश है एंड थोड़ा वाइब्रेंट और लाउड भी है. बट ये बहुत ही नेचुरल है. लाइक ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ मिस्ट या फिर कुछ परफ्यूम वगैरह लगाए. ये एकदम लगेगा कि यू हैव जस्ट केम आउट ऑफ अ शावर, ऑफ अ फ्रेश शावर. देन आई एम हैविंग दिस हेयर सीरम, क्योंकि मेरा लाइक कलर करने के बाद ना मेरा हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई होता जा रहा है, लाइक यू कैन सी. एंड वॉट आई डू इज दैट मैं ये सीरम कैरी करती हूँ फ्रॉम मैट्रिक्स. ये भी पूरा खत्म हो चुका है बिकॉज आई एम जस्ट इन लव विद दिस वन. मैं ये बहुत सालों से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि एंड आई कैरी दिस ऑलमोस्ट एवरी डे, ताकि अगर कभी भी मेरा बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई लग रहा है मुझे, आई जस्ट अप्लाई दिस सीरम एंड टाई अप पोनी और बर्न और समथिंग. नेक्स्ट टू इट आई हैव दिस फेस वाइप्स. वाइप्स रहता है मेरे पास अगर मुझे ऐसा कभी फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या फिर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है, मुंह पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है. व्हाट आई डू इज जस्ट रिमूव ऑल माय फेस मेकअप विद दिस वाइप्स. ये जॉनसन बेबी से है. नेक्स्ट है ये बैंडेड. एज आई सेड मेरा बैग नहीं है, झोला है. अगर मेरा कहीं पे भी कट जाए या फिर कहीं पे भी शू वाइट आ जाए, क्योंकि आपको पता नहीं लगता ना कि कब शू वाइट आएगा कब नहीं, इसीलिए ये हमेशा मेरे बैग में रहता है ताकि इन इमरजेंसी यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ और फॉर समवन एल्स एज वेल. देन अगेन वी हैव अ रोल ऑन परफ्यूम. इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. ये जारा से है एंड इसका स्मेल, ओ माई गॉड, इट्स सो अडिक्टिव, इट्स सो अडिक्टिव. आई गॉट इट इन सेल फॉर 199. ओ माई गॉड, मतलब इसका स्मेल अलग ही है. ये खत्म हो चुका है एंड आई डोंट नो कैमरा में उतना दिख रहा होगा या नहीं, इसमें ना थोड़ा सा ग्लिटर भी दिया हुआ था जब ये था. सो आई हैव यूज इट एट द मोस्ट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मेल है इसका एंड इट्स सो बजट फ्रेंडली, ट्रैवल फ्रेंडली, इट्स सो गुड, इट स्मेल्स अमेजिंग. नेक्स्ट टू इट आई एम हैविंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. अगर मानो आप बाहर गए हो कहीं ट्यूशन पे, ट्यूशन के बाद आपका प्लान हुआ है कि कहीं पे भी जाना है बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, सो मैं क्या करती हूँ, एक कॉम्पैक्ट अपना फेस वाइप से पूरा क्लीन कर लेती हूँ एंड देन आई अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दैट्स इट. ये मेबलिन का है. नेक्स्ट टू इट आई हैव दिस लिप एंड चीक टिंट. जब भी मैं, मतलब मैं हमेशा से लेट ही रहती हूँ, जब भी मुझे कहीं पे भी जाना होता है आई एम ऑलवेज लेट. आई डोंट नो वाई, मैं जितना भी जल्दी कर लूँ मैं लेट ही हो जाती हूँ. सो इसलिए मैं ये लिप एंड चीक टिंट हमेशा अपने बैग पे रखती हूँ ताकि कहीं पे भी मैं अगर लेट हो गई हूँ एंड आई एम लुकिंग वेरी डल, तो मैं क्या करती हूँ, ये लिप टिंट अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपने चीक्स पर भी. एंड एज आई से लिप एंड चीक टिंट मेक्स योर फुल फेस लुक सो फ्रेश एंड सो चेयरफुल दैट. अब बाकी बहुत सारे चीज तो है नहीं. ये है ट्रेन का टिकट. ये एक और ट्रेन का टिकट. मेरे बैग में ट्रेन का टिकट बहुत ज्यादा मिलेगा. और ये चार लिपस्टिक है. वो दिस वन इज फ्रॉम एलेक्टिन एंड दिस वन इज फ्रॉम नायका. इट्स इन द शेड झुमकी और एक कैफे लैटे है. आपने मेरे वीडियो पर ये वाला तो बहुत ज्यादा देखा ही होगा. आई लव दिस वन, तो मैं ये रखती हूँ. अगर न्यू शेड की जरूरत पड़े तो आई जस्ट कैरी दिस वन. एंड एक ये रोज पिंक कलर का शेड रहता है मेरे बैग में, शुगर का शेड 08 वाइन एंड शाइन. एंड देन लास्टली एक रेड कलर का लिपस्टिक भी मैं रखती हूँ, अगर कहीं पे भी मतलब मुझे जाना हो, सडनली मुझे कहीं पे इन्विटेशन है, उतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली स्टेशन से शायद कहीं पर चली जाऊंगी, तो आई ऑलवेज कैरी दिस रेड लिपस्टिक फ्रॉम मैक इन द शेड रूबी हू. दैट्स इट. एंड लास्टली एक हैंड क्रीम है, क्योंकि इन दिनों मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई.
सो आई एम कैरिंग दिस हैंड क्रीम फ्रॉम नायका, ताकि मेरा हाथ जो है थोड़ा सॉफ्ट और डेलिकेट रहे, इतना ड्राई ना हो. एंड दैट इज इट. इससे ज्यादा मेरे बैग में और कुछ है नहीं. दैट इज इट. और एक पानी का बॉटल भी रहता है. अभी फिलहाल मैंने पानी के बॉटल को बाहर निकाल के रखा हुआ है. दैट इज प्रिटी इट. इसलिए ना मैं, मेरे बैग में इतनी सारी चीज रहती है, इसलिए आई डोंट प्रेफर स्मॉल बैग्स एट ऑल. आई ऑलवेज नीड अ लार्ज टोट बैग लाइक दिस. सो इट्स नॉट अ बैग, इट्स अ झोला फॉर मी. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट अ वीडियो. And please just do not scroll through my video. Rather support me and help me grow. And that's it. All I need is your love and support. And you can tell me, आप लोग मुझे comment में भी बता सकते हो कि मैं next कौन सा ऐसा video लाऊ या फिर something like that. तो आज का video यही तक था. And I'll be back again with another new video. Till then, stay safe, stay happy, stay beautiful and stay tuned for my next video. Love you and bye-bye.